और अभी को? उनको तो बहुत ही अच्छा लगा आपके घर आके। कह रहा था मुझे प्रज्ञा की दादी बहुत अच्छी लगी है, फैन हो गया है वो उनका। ये तो जी आपका बड़प्पन है ना हम लोग। नहीं जी मैं सच बोल रही हूँ। मुझे दादी को मनाना ही होगा, उनसे कहना होगा कि वो वही हनीमून ट्रिप कैंसिल कर दे। प्रज्ञा है क्या आपके आसपास? उससे जरा बात हो सकती है? नहीं वो तो अपने कमरे में है, उन दोनों को हनीमून जाना है ना, सामान पैक कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, बच्चे बाहर घुमाएंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब कहाँ जा रहे हैं? भाई मैं तो उन्हें स्विट्जरलैंड भेजना चाहती थी, पर वो क्या है ना अभी को काम बहुत है, तो 4-5 दिन के लिए वो फिलहाल शिमला ही जाते हैं। फिर बाद में लंबी छुट्टी लेंगे तो स्विट्जरलैंड भी घूम के आएंगे। जी कब जा रहे हैं? नहीं मतलब अगर आपको बुरा ना लगे ना तो मैं जाने से पहले प्रज्ञा से मिलना चाहती थी। वो जा रहे हैं कल 10 बजे। ठीक है जी मैं ना मिलने आ जाऊंगी। चलिए फोन रखती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। पनीर नहीं लिया आपने? ये लीजिए। मैं अपना आप ले लूंगी। अब बबली बेटा ऐसा नहीं बोलते, जब बड़े ना आपको कुछ दें तो उसे चुपचाप ले लेते। आपकी चाची है ना वो। पूरा परिवार एक साथ है, बर्थडे है किसी का। वाह वैसे अरोमा तो बहुत अच्छी आ रही है। चल बैठ तू भी साथ में खाना खा। अरे नहीं दादी मैं खा के आया। क्यों शादी के बाद भी? मैंने मना किया था ना। दादी प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग थी उस दौरान खाना पड़ा, मना नहीं कर पाया। बेटा अब तुम्हें इसकी आदतें सुधारनी है, नहीं माने तो कान पकड़ कर सुधारना। ये मेरा कान पकड़ेगी? कान पकड़ोगी? पकड़ो ना। क्या कर रहा है? अरे दादी तो को चिढ़ा रहा है। नहीं दादी मस्ती करो, पसंद है इसे, पूछो ना इसे पसंद है कि नहीं। अच्छा अब चुप कर, उसे खाना खाने दे, मैं अभी आती हूँ। हेलो मैं पानी लेकर आती। क्या किस्मत है इसकी और क्या किस्मत है हमारी, सड़क की धूल को माथे से लगाना पड़ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी जी, पता नहीं इस नई बहू ने दादी को कौन सी गुटकी पिलाई है कि हमेशा बस उसके ही गुणगान करती रहती है। And tell me one thing. तुमने एक अच्छे पति के लिए भगवान के सामने प्रार्थना की होगी ना, तो मुझसे छुटकारा पाने के लिए किस मंदिर की घंटी बजाओगे तुम? And let me tell you one more thing, कि वो भी करने से ना कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान तो है ही नहीं। And if you really think कि भगवान है ना, तो जाओ जाकर भगवान पर केस करो, उससे कंप्लेन करो कि तुम्हें सारी जिंदगी रोने के लिए मुझ जैसा पति क्यों दिया। नहीं कर सकती ना, बिकॉज दैट्स द प्रूफ कि भगवान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हमारी शादी किसने करवाई? भगवान ने? नहीं मैंने। पूरब ने आलिया को धोखा दिया तो आलिया का साथ क्या भगवान ने दिया? नहीं मैंने। तुमने जो प्लानिंग की थी उसकी सजा तुम्हें क्या भगवान दे रहा है? नहीं मैं दे रहा हूं। बचपन में जब हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे तो हम लोगों का पेट भगवान ने नहीं मैंने भरा था, और ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना ये सब भगवान की मर्जी से नहीं मेरी मर्जी से हो रहा है। And I am the one जिसने खुद को रॉकस्टार बनाया, भगवान ने नहीं। और अगर हाँ तुम्हारा भगवान है, जाकर अपने भगवान से कह दो कि मुझसे मेरा नाम और मेरी पहचान छीन कर दिखाए, मुझे एक रॉकस्टार से एक कॉमन मैन बना कर दिखाए। ना घमंड अच्छा नहीं, भगवान से ना सही वक्त से डरी, कि वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है, जब वक्त बदलता है ना तब पहचान तो क्या अपनी परछाई भी साथ नहीं देती,
और जब कोई साथ नहीं देता ना, तब भगवान आपकी मदद करता है। तब कहा था तुम्हारा भगवान, जब हमारे पूरे परिवार को उस भगवान की मदद की जरूरत थी। और क्या सबूत है उस भगवान के होने का? आपका जिंदा होना भगवान के होने का सबूत है। मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं सांसें लेता हूँ। सांसों को देखा है कभी आप? सांसें जिंदगी है। भगवान है तो जिंदगी। जो कमजोर होते हैं वो भगवान का सहारा लेते हैं। जो घमंडी होते हैं वो भगवान को भुला देते हैं। दुनिया भगवान भरोसे नहीं चलती। और जो भगवान पे भरोसा करते हैं उनकी दुनिया कभी नहीं उजड़ती। ऐसी धार्मिक बातें करके इसने दादी का दिल जीता होगा। बुलबुल, आई एम ग्लैड कि तुम मुझसे मिलने आ गई। तुम जानती नहीं व्हाट आई एम गोइंग थ्रू दीस डेज। बुलबुल, मैं यहां तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने आया। उस दिन तुमने मुझे जिस लड़की के साथ देखा था वो और कोई नहीं बल्कि आल्या है, अभी की बहन। बुलबुल, मैं आल्या के साथ एंगेज जरूर था बट वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। दोस्ती के खातिर मैंने हाँ तो बोल दिया मगर मैंने कभी आल्या से प्यार नहीं किया और ना ही करता हूं। ट्रस्ट मी बुलबुल, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। यही सब क्लियर करने में आया था, पर जब पता चला कि अभी ने तुम्हारी बहन से शादी कर लिया तो मुझे लगा बहुत देर हो गई। और बुलबुल, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। शादी इतनी जल्दी और वो भी उन दोनों की जो एक दूसरे से नफरत करते। मुझे पता नहीं हो क्या रहा है, आखिर इस शादी की सच्चाई है क्या? सच जानना है ना तुम्हें? सच सुनने की हिम्मत है पूरा तो सुनो। तुम्हारे दोस्त अभी ने मेरी दी को बुलबुल समझ के उससे शादी की। नहीं नहीं बेटा, ये वाला कप सिर्फ नहीं है, इसे तो बम्बई में भी थोड़ी सी ठंड पड़ती है ना तो खांसी शुरू हो जाती है। सर्दी नहीं, इसे तो मेरे नाम का बुखार चढ़ेगा है ना। आप फिक्र क्यों करती हैं? आपको क्या लगता है मैं कोई चीज छूटने दूंगी? मैंने अपने सामने सारा सामान पैक करवाया है। आपके होते हुए मुझे कैसी फिक्र? वो क्या है ना कि पहली बार इतने दिनों के लिए दूर जा रही है और ये तो कभी हवाई जहाज में बैठी भी नहीं है, पहली दफा बैठ रही है, इसलिए थोड़ा सा जी घबरा रहा है। बेटा जी, अगर दिल घबराए तो प्लेन में एयर होस्टेस होती है ना, उनको बुला लिया। और तुम भी बहू का अच्छे से ख्याल रखना। रिलैक्स दादी, मैं हूं ना, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? इसका जी घबराएगा ना तो मैं इसे फ्लाइट से नीचे फेंक दूंगा। पैराशूट्स होते हैं प्लेन में। अब मेरा मतलब है, इतना तो मुझे पता है ना, प्लेन में पैराशूट्स होते हैं। अब बेटा जी, ये स्वेटर बहुत पहले बना के रख लिया था। वैसे तो भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है, लेकिन बहुत गर्म है ये। एक ही पहनोगे ना तो और कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। तो क्या है ना, अगर फ्लाइट मिस हो गई तो किसी का सपना टूट जाएगा है ना। चले रॉबिन, गेट द बैग। से दिखा, ये क्या है? कंबल है। दिखता नहीं है स्वेटर? दिख रहा है, लेकिन इसे पहनने के बाद मैं 50 साल का बूढ़ा लगूंगा। And look at this, the color. It's so dull, man. इसे पहनना तो दूर, इसमें अपनी गाड़ी भी सॉफ्ट ना करूं। स्वेटर तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये इतना रफ है, चुभता है। ये जरूर सस्ते मटेरियल का बना हुआ है ना। मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। मुंबई में मॉनसून शुरू हुआ ना, इसकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया। देखो मेरे सामने, ये रोना वोना बंद करो। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।